नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल रंजन और मेरे साथ है शिवम और आप देख रहे हैं बिहारी डॉट न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहारी न्यूज़ आपके सामने हमेशा उन्हीं मुद्दों को लाता है जिससे आपका और समाज का सीधा सरोकार होता है। बिहारी न्यूज़ में हम हमेशा उन मुद्दों को लाते हैं जो राजनीतिक भी होते हैं या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं या फिर इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए होते हैं। तो आज आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बिहारी डॉट न्यूज़ एक नए सेगमेंट को आपके साथ लेके आ रहा है जिसका नाम है ज्ञानपीडिया। दोस्तों, ज्ञानपीडिया में हम बात करेंगे आसपास हो रहे उन टॉपिक्स पे जो समाज में कौतूहल का मुद्दा बने हुए हैं और जो समाज में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। ठीक है, तो आज जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि शिवम, ट्रैफिक में जो भी नियम होते हैं उनके अनुसार अगर हम सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो किन किन चीज़ों पे हमें फाइन देना पड़ सकता है? देखिए राहुल, सबसे पहले तो जो पहले हम लोग वाहन मालिक चलते थे तो उसके लिए जो वाहनों पर फाइन लगाई जाती थी, मूलतः सबसे पहले पॉल्यूशन के लिए फाइन लगती थी। ठीक है, उसके बाद हेलमेट जो सबसे ज्यादा दो पहिया वाहन वाले सबसे ज्यादा परेशानी होती है, हेलमेट के लिए सबसे ज्यादा फाइन किया जा रहा है। उसके अलावा और एक है कि अगर आपके वाहन ने आपने जो फोर व्हीलर यूज कर रहे हैं सीट बेल्ट नहीं लगाया है, हाँ, तो उसके वजह से भी फाइन किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये आप तो समझ गए होंगे कि ये जो हमारा ज्ञानपीडिया का आज का जो कार्यक्रम है ये पूर्णतः बेस्ड है उन लोगों पे जो किसी न किसी तरीके का वाहन अपने पास रखते हैं या फिर किसी न किसी तरीके का गाड़ी चलाते हैं। तो आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि आज ट्रैफिक के मुद्दे पे बातचीत हो रही है। तो क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि आपका जो नंबर प्लेट है वो भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है? जी हाँ, अब जो है आपका जो नंबर प्लेट है गाड़ी का वो भी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। तो आज का जो ये मुद्दा है ठीक उसी नंबर प्लेट से जुड़ा हुआ है जो आजकल आप हर जगह सुनते होंगे, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, या फिर जिसे हम लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के भी नाम से जानते हैं। तो इन चीज़ों में आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट आखिर अलग है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में क्या अंतर है, दोनों एक ही चीज़ है। तो शिवम हमें बताएंगे कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट आखिर है किस चीज़ का नाम। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का नाम सुनकर हम लोगों को इतना अंदाज़ा तो हो जाता है कि ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा को लेकर बनाया गया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट या हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एल्यूमिनियम का बना हुआ एक प्लेट होता है। ठीक है, जिसमें एक क्रोम की चक्र के साथ एक क्रोम की होलोग्राम भी होती है। ठीक है, होलोग्राम में आपका इंजन नंबर, आपके वाहन का इंजन नंबर और चेसिस नंबर इंगित रहता है। उसके साथ ही आपके नंबर प्लेट पे 7 अंकों का एक लेज़र कोड भी होता है, जो लेज़र कोड आपकी गाड़ी को डिटेक्ट करने में फ़ायदा करता है। उसके साथ ही इसमें एक और ख़ास बात यह है कि इस प्लेट का रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे ख़ास होगा, जिसको आप ना ही तो मिटा सकते हैं ना ही हटा सकते हैं, क्योंकि ये प्रेशर के द्वारा प्लेट पर इंगित किया जाता है और वो प्लेट पर उभरा हुआ दिखाई देता है। इस वजह से इसका रजिस्ट्रेशन प्लेट या नंबर प्लेट बहुत ही खास होता है। अच्छा, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे टेबल पे भी 2 नंबर प्लेट्स पड़े हुए हैं, तो शिवम बता दो डिफरेंसेस क्या है आखिर दोनों के बीच, दोनों नंबर प्लेट को दिखा के स्क्रीन की तरफ। तो ये देखिए, ये जो नंबर जैसा आप देख रहे हैं कि ये पहले का नंबर प्लेट है जो हम लोग पहले यूज किया करते थे, तो शिवम बताएगा कि क्या अंतर है दोनों। ये नॉर्मल नंबर प्लेट है जो कि पहले से चली आ रही है। इसमें नॉर्मल आपका गाड़ी का नंबर होता है और साथ में डिजिट होता है और जो स्टेट का कोड होता है वो होता है। लेकिन अब जो नंबर RTO के द्वारा दी जा रही है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले एक होलोग्राम होता है। होलोग्राम में एक चक्र जैसा स्टिकर लोगो होता है, उसके साथ ही IND लिखा होता है। IND यहाँ पे इसलिए लिखा होता है क्योंकि ये सारा काम RTO के द्वारा किया जा रहा है, जिस वजह से सारे प्लेट पर IND लिखा रहता है। उसके साथ यहाँ पे स्टेट कोड के साथ डिजिट होता है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 अंकों का लेज़र कोड होता है। ये लेज़र कोड ही बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आपकी गाड़ी खो जाती है या फिर आपकी गाड़ी दुर्घटना करती है तो इस लेज़र कोड के वजह से ही रातों में हाई डेफिनेशन कैमरे की मदद से भी इस गाड़ी को गाड़ी का पता लगाया जा सकता है कि आपकी गाड़ी किस स्थिति में है, और उसके साथ ही आप अपने वाहन का एग्जैक्ट लोकेशन भी पता कर सकते हैं इस लेज़र कोड की मदद से। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि शिवम ने सारे कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से क्लियर कर दिया, जो भी आपकी शंकाएं हो रही होंगी मन में कि आखिर क्या अंतर है दोनों नंबर प्लेट्स के बीच।
तो शिवम ने जैसे बताया कि इसमें एक लेजर कोड लगा होता है जिसके मदद से हम लोग गाड़ी को डिटेक्ट कर सकते या फिर ट्रैक कर सकते हैं। और शिवम एक चीज और बताओ कि काफी ज्यादा मतलब ये भी है लोगों के बीच में कि आजकल क्या कर रहे हैं, नंबर प्लेट्स लगाने वाले डुप्लीकेट नंबर प्लेट भी लगा दे रहे हैं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की जगह पे। काफी जगह हम लोगों को देखने को मिलता है ये सारी चीजों को। तो इस दोनों नंबर प्लेट्स के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है जिससे हम लोग पकड़े कि हाँ ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है, तो ये शिवम ही बताएगा हमें। तो ये दोनों देखिए, जो डुप्लीकेट की बात करें तो जो डुप्लीकेट नंबर प्लेट और ओरिजिनल नंबर प्लेट में अंतर है वो मूल रूप से ये है कि जो यहाँ पे नंबरें लिखी हुई हैं, जो स्टेट कोड या फिर डिजिट है, इस पर 45 डिग्री के एंगल पे IND लिखा होता है। IND RTO के द्वारा लिखा हुआ रहता है और जो उभरा हुआ अंक यहाँ पे दिख रहा है उस पर 45 डिग्री पे जो IND लिखा हुआ है ये उन लोगों ने 90 डिग्री पे लिखा होता है या फिर सही से नहीं लिखा होता है। इस वजह से डुप्लीकेट और ओरिजिनल नंबर में आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा डुप्लीकेट है और कौन सा ओरिजिनल है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप भी कहीं पे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने जाते हो तो एक वाटर मार्क की तरह जो भी डिजिट्स होते हैं या फिर जो भी नंबर्स होते हैं उनके ऊपर इंडिया लिखा हुआ होता है 45 डिग्रीज के इंक्लिनेशन, मतलब 45 डिग्रीज के झुकाव पे। तो इससे आप पकड़ सकते हो कि हाँ आपको जो लगाया गया नंबर प्लेट है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो जैसा कि दोस्तों शिवम ने अभी बताया आपको कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में क्या क्या खासियत है, क्या क्या खूबियाँ हैं, तो उसी के लिए मैं अगला जो चर्चा करूँगा इस चीज़ पे करूँगा कि आखिर क्या बेनिफिट है, मतलब आखिर क्या फ़ायदे हैं इस हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के या जिसे हम हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के भी नाम से जानते हैं। तो जैसा शिवम ने बताया कि इसमें लेज़र कोड लगे होते हैं जिसके थ्रू ट्रैकिंग गाड़ी की काफ़ी आसानी से हो सकती है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है तो अगर ये नंबर प्लेट हमारे गाड़ी पे लगा हुआ है तो हम लोग किसी भी कोने से उसे ट्रैक कर सकते हैं कि अभी हमारी गाड़ी कहाँ पे है। ये पहला हुआ कि क्यों, क्या है उसकी खासियत, क्या उससे फ़ायदा है हमें। दूसरा सबसे बड़ा खासियत अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो नंबर प्लेट होता है ये काफ़ी उबड़ा हुआ रहता है जिससे कि काफ़ी दूर से भी, और ये अंधेरे में बेसिकली चमकता भी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि अंधेरे में आप दूर से भी देख सकते हो और आप बता सकते हो कि हाँ आखिर इस नंबर प्लेट्स पे जो भी अंकित डिजिट्स हैं उनको आप आराम से देख सकते हो और बता सकते हो कि हाँ क्या क्या नंबर था उस गाड़ी का। तो ये एक दूसरा बेनिफिट हुआ। इससे ये सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि रोड रिलेटेड क्राइम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रोड पे रोड रेज होते हैं आजकल, जो काफ़ी एक चुनौती का विषय है ना सिर्फ प्रशासन के लिए बल्कि सरकार और हमारे लिए भी, है ना। रोड पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि रोड पे हो जाती है और उस केस में जो ड्राइवर है भाग जाता है, हर बार हमने ये सुना। तो ये जो अगर आपके गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा हुआ है तो इसके माध्यम से गाड़ी दूर भी रहेगी तो आपको वो नंबर्स दिख जाएंगे कि हाँ गाड़ी का नंबर क्या है। तो इससे कहीं ना कहीं उस जो सड़क पे जो रोड रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं उसको रोकने में काफ़ी मददगार साबित होगी, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ आपको अगर मैं बताऊँ तो बिहार में अभी ये चलन शुरू हुआ है इस साल से कि हाँ भाई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया कि नहीं, और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हमें अब लगाना है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत के बहुत सारे राज्यों में जो ये है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट काफ़ी पहले से लग चुका है, और हमारे बिहार में और हमारे पटना में जो है अब लगने जा रहा है। तो सवाल ये है कि सरकार आखिर क्यों इस चीज़ के पीछे पड़ी है कि हाँ भाई पूरे देश में सारी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होना चाहिए। तो उसका भी एक बेनिफिट है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, जैसा कि शिवम ने डिफिनेशन में बताया, काफ़ी उसकी खासियत को गिनाई कि उसमें चेसिस नंबर होता है, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि आपने गाड़ी कहाँ से निकाला है, कौन सा डीलर है, RTO कौन सा है, वगैरह वगैरह। तो ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अगर आपकी गाड़ी में लग जाता है तो पूरा जो गाड़ी का इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है भारत सरकार का, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर का, आपने नाम सुना होगा NIC का, उसके सर्वर पे आपके गाड़ी का इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये एक तरीके से समझिए कि गाड़ी का आधार कार्ड हो गया, मतलब अगर हम लोग बिहारी भाषा में समझें या फिर सिंपल और सरल भाषा में समझें तो आप सीधा बात ये समझिए कि ये गाड़ी का एक आधार कार्ड है जिससे आपके गाड़ी का सारा इन्फॉर्मेशन जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से सरकार के पास आपके गाड़ी का सारा ब्यौरा है।
और जो भी दर्शकगण हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं लाइव, उनको मैं सबसे पहले बता दूं कि आज का जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये बिहारी न्यूज़ का नया कार्यक्रम जो हम लोगों ने आज से शुरुआत की है ज्ञान पीडिया के नाम से, जो कि नॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया भी होने वाला है दोस्तों, अगर आपका प्यार और अगर आपका सहयोग भरपूर मिला तो। ठीक है, तो ये आज की जो चर्चा है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पे हो रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आज चर्चा में है। तो शिवम, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक वीडियो में, अगर आप नए जुड़े हैं तो आपको मैं बता दूं कि शिवम ने सबसे पहले गाड़ी का हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैंने आपको बेनिफिट्स गिना दिए, फ़ायदे गिना दिए कि आखिर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के फ़ायदे क्या हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है, जो कि हम लोग सब जानना चाहते हैं, मतलब अगर सड़क पे गाड़ी लेके निकलते हैं तो, कि भैया फाइन कितना देना है अगर हमारी गाड़ी पकड़ी जाती है, हम टू व्हीलर वाले हैं, थ्री व्हीलर वाले हैं, तो आखिर हमें फाइन कितना देना है। फाइन का सबसे ज्यादा परेशानी तो हाँ, कि कितना देना है अगर पकड़े जाए तो, क्योंकि मनमाने ढंग से भी ट्रैफिक के हवलदार आपसे वसूल सकते हैं। तो आज बिहारी न्यूज के ज्ञान पीडिया में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बारे में। तो शिवम बताइए कि क्या फाइन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो लोग आजकल बिना नंबर प्लेट या नॉर्मल नंबर प्लेट के वजह से पकड़े जा रहे हैं, तो फाइन के लेकर असमंजस की स्थिति बनी होती है। फाइन की बात करें तो इसमें दो तीन धाराओं को इंक्लूड करके फाइन दिया जा रहा है। सबसे पहले सेक्शन 177 और सेक्शन 179 मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू आपको फाइन किया जाएगा। फाइन का चार्ज अगर आप पहली बार बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के पकड़े जाते हैं तो आपको 600 रुपये का फाइन किया जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप दूसरी या फिर तीसरी बार पकड़े जा रहे हैं तो आपको 800 रुपये का फाइन किया जा सकता है। राहुल, अभी हमारे दर्शकगण काफी जुड़े हैं और काफी सारा सवाल भी आ रहा शिवम। यस, तो अभी गरिमा तिवारी ने यही सवाल किया जिसका आपने जवाब दिया कि व्हाट इज द फाइन अमाउंट, मतलब हमें कितना फाइन देना पड़ सकता है अगर हम बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के पकड़े गए तो। तो गरिमा, हो सकता, मुझे जहां तक लगता है कि शिवम ने आपके सवालों का जवाब दे दिया होगा, या और भी वो दर्शक जिनका ये सवाल है कि फाइन कितना देना पड़ सकता है। हमारे साथ कुछ और दर्शक जुड़ रहे हैं, हमारे हाँ। साथ सैंडी सैक्स जुड़े हैं जो पूछ रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से हमें क्या फायदा है। हाँ। सैंडी साहब, सबसे पहले तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से वारदातों और घटनाओं को अंजाम जो दिया जा रहा है उससे बचने का सबसे अच्छा उपाय निकाला है सरकार ने। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पे जो क्रोमियम होलोग्राम होता है उस पे 60 डिजिट का एक लेजर कोड हो रहा है। ठीक है, लेजर कोड से वाहन और वाहन मालिक की स्थिति, एग्जैक्ट लोकेशन आप उसी समय पता कर सकते हैं उसको जब स्कैन किया जाएगा। बिल्कुल। तो उसके साथ ही एक और इसकी खासियत है कि इसके साथ आप इस गाड़ी या फिर जो जिस गाड़ी पे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हुई है उस गाड़ी को आप रात में भी कैमरे की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। और जैसे मैंने भी बताया था कि आपके वाहन कहीं पे भी रहे तो ट्रैकिंग में काफ़ी आसानी होगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सैंडी ने शायद ये सवाल पूछा हमसे कि आखिर फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा एक ये भी है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चोर सबसे पहले नंबर प्लेट को तोड़ के फेंकता है, लेकिन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो होता है उसमें आप वो जो होता है पेज जिसको बोलते हैं उससे आप उसको नहीं कसते हो, वो आप जब RTO ऑफिस जाओगे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने तो वो आपको इनबिल्ट, मतलब एक बना हुआ होता है उसी के ढांचे में आपको वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगा के आपकी गाड़ी को देते हैं। तो वो आपको निकालने में आपको बनेगा ही नहीं, मतलब आप उसको निकाल ही नहीं सकते, आपको उसको निकालने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं चोर जो आजकल डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनवा लेते हैं, शिवम, डुप्लीकेट नंबर प्लेट सबसे ज़्यादा आजकल बन रहे हैं अगर गाड़ी छोड़ी होती है तो, उसके बाद जो भी वारदात होते हैं उन्हें अंजाम दिया जाता है। तो डुप्लीकेट नंबर प्लेट जो है उस पर भी बनने में सैंडी आपको काफ़ी, ये चोरों को काफ़ी उसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट आ गया तो। और एक सवाल कीर्ति सिंह पूछ रही है कि हम कैसे पहचाने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट असली है या नकली, इसका जवाब शिवम ने दिया था। शिवम, आप एक बार से उसको रिवाइज करवा दो, बता दो। ये दोनों नंबर प्लेट अभी हमारे सामने हैं, पुराने वाले और हाई सिक्योरिटी वाले। ये जो है ये नॉर्मल नंबर प्लेट है जो पहले से ही उपयोग में लाई जा रही है, ये नंबर प्लेट है, यहाँ पे स्टेट कोड रहता है और यहाँ पे डिजिट रहता है। उसके साथ ही जो अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो आजकल आ रही है, चल रही है, इसमें देखिए, इसमें आपका क्रोमियम होलोग्राम लगा होता है। क्रोमियम होलोग्राम के अंदर आपका गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी रहता है। उसके साथ 7 अंकों का लेजर कोड यहाँ पे होता है।
और जो स्टेट कोड और डिजिट होती हैं उस पर आईएनडी लिखा होता है। आईएनडी इसलिए लिखा होता है, मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी काम आईटीओ के द्वारा की जा रही है, इस वजह से आईएनडी लिखा होता है। एक दर्शक और हैं, श्वेता सिन्हा, ये पूछ रही है कि ये बाईपास में रहती हैं और ये कहाँ से इस हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को ये इन्हें कहाँ मतलब सर्विस उस तरीके का प्रोवाइड हो जहाँ ये अपने गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें। तो जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं, ये तो श्वेता सिन्हा ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि अगर आप पटना में रह रहे हो तो मैं अभी आपको बता देता हूँ पटना के उन सारे सेंटर्स के बारे में जहाँ आपको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाएगा। सिर्फ मैं बाईपास की बात नहीं करूँगा श्वेता जी, आपके साथ साथ मैं पूरे पटना के दर्शकों को भी बता दूँ कि पटना के इन सेंटर्स पे जो है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाएगा। सबसे पहला आता है हाउस नंबर 2 है मिहिर पथ, राजापुर पुल के पास, बोर्डिंग कनाल रोड, यहाँ पे आप अपने गाड़ी को ले जा सकते हो, वहाँ आप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट या नंबर प्लेट लगवा सकते हो। दूसरा एड्रेस है गेट नंबर 49 मखदूमपुर, कुर्जी में ही है। और तीसरा है निटको टाइल्स बिल्डिंग, ये आपको होटल एक्सोटिक के पास आशियाना दीघा रोड, ये आपके लिए है श्वेता जी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, निटको टाइल्स बिल्डिंग, शायद आप उससे रूबरू होंगी उस एड्रेस से क्योंकि आप ही के इलाके का है, निटको टाइल्स बिल्डिंग नियर होटल एक्सोटिक के पास आशियाना दीघा रोड में। और अगर बात करें हम लोग श्री कृष्णापुरम की तो गली नंबर 13 आर्य समाज मंदिर रोड, श्री कृष्णापुरम, ये आरपीएस रोड के ठीक सामने, यहाँ भी आपको ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक है श्री कृष्णा निकेतन की गली 0 माइल के पास, उसमें भी आपको ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और एक और है एनआरएल पेट्रोल पम्प के पास ट्रांसपोर्ट नगर में पटना का, तो ये सब जगह है पटना में जहाँ आप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगवा सकते हो या उससे जुड़े सुविधा को उपलब्ध कर सकते हो। और एक चीज़ मैं और आपको इसके साथ साथ बताना पड़ूंगा जो श्वेता सिंह ने सिन्हा ने जो सवाल किया कि आप जो ये है एक नंबर मैं आपको बता देता हूँ पटना के हर आरटीओ ऑफिसेस के लिए है जहाँ पे आप इस नंबर पे फ़ोन करके भी आप सारी जानकारियाँ ले सकते हो। आप अगर सुन रहे हो तो नंबर आप नोट कर लो 9308409095, ये इस नंबर पे आप फ़ोन करके ये पटना का सारे आरटीओ ऑफिसेस का ये समझ लो कि हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप सारे अपने सवालों के जवाब को प्राप्त कर सकते हो और उससे जुड़े जो भी जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, और एक चीज़ और बताऊंगा जो भी पटना के अलावा बिहार के भी दर्शक हमें देख रहे हैं शिवम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अभी कौतूहल का विषय बना हुआ है पूरे बिहारियों के लिए भी, पटना में तो है ही कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट क्या है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या है। तो जो भी दर्शकगण हमारे बिहार से पटना के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि एक लिंक है, एक वेबसाइट का लिंक है जिसमें आपको पूरा एड्रेस के साथ साथ उस आरटीओ का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जहाँ आप अपने जिले का, आपके जिले का आरटीओ का एड्रेस मिल जाएगा जहाँ आप जाके अपने गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट इंस्टॉल करवा सकते हो। तो लिंक है hsrpbr.com, इसको हम लोग अपने कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे, हो सकता है ये आपको सुनने में भी, क्योंकि ये डिफाइन करना भी काफ़ी मुश्किल है, तो आपको कमेंट में ये लिंक दे दिया जाएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके ज़िले में कौन सा वो इलाका है या कौन सा वो जगह है जहाँ आप ये नंबर प्लेट लगवा सकते हो। आते हैं दूसरे पॉइंट पे और बात करते हैं शिवम से, फिर से उससे मुखातिब होना चाहेंगे और शिवम हमें बताएगा कि चार्ज क्या है, क्योंकि इसमें भी अभी मनमानी चल रही है लोगों की। आपको बता दूं काफ़ी जगह पे मनमाने ढंग से रेट वसूले जा रहे हैं आरटीओ ऑफिसेज में भी, तो ये भी आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके अवेयरनेस के लिए, आपकी जानकारी के लिए कि आखिर आपका जो गाड़ी है, आपका जो वाहन है, 4-व्हीलर है, 3-व्हीलर है, 2-व्हीलर है या फिर खेती में इस्तेमाल किए जाने वाली कोई भी गाड़ी है, तो उसका आखिर चार्ज क्या है। तो शिवम बताओ यार चार्जेस क्या है। देखिए वाहनों के जो चार्जेस हैं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए, जो 2-व्हीलर के चार्जेस हैं वो है ₹139, उसके साथ ही जो 4-व्हीलर के चार्जेस हैं वो है ₹355, 3-व्हीलर के चार्जेस हैं ₹172। 3-व्हीलर में हमारे साथ ऑटो आते हैं, उसके साथ मीडियम ट्रक्स जो है यानी कि मीडियम ट्रक्स में पिकअप्स आते हैं, पिकअप्स के चार्जेस जो हैं ₹328। और फार्मिंग में जो वाहन यूज़ किए जाते हैं जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, उनके लिए चार्जेस हैं ₹148। ये चार्जेस मैं फिर से दोहरा देना चाहूँगा,
जो दो व्हीलर के चार्ज हैं वो है 139 रुपये, फोर व्हीलर के चार्जेस हैं 355 रुपये, थ्री व्हीलर्स के चार्जेस हैं 172 रुपये, मीडियम ट्रक्स के चार्जेस हैं 328 रुपये और फार्मिंग में आने वाले वाहनों के चार्जेस हैं 148 रुपये। राहुल, हाँ, तो यही सवाल अभी अभिनव कुमार ने भी हमसे किया है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का प्राइस क्या है क्या? तो शिवम ने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का क्या क्या चार्जेस है, जैसा कि इन्होंने बताया, फोर व्हीलर का भी बता दिया आपको, थ्री व्हीलर का भी बता दिया, दो पहिया वाहनों का भी बता दिया, इन सभी चीज़ों का बता दिया। एक सवाल हमसे पूछा जा रहा आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब इस कॉन्सेप्ट से अलग हटके, कलीम हमसे पूछ रहे हैं कि बिहार के बाहर से अगर आप गाड़ी लाते हो तो नंबर कैसे चेंज होगा। तो कलीम जी, इसमें आप RTO में जाके संपर्क कीजिए, वो शायद NOC होता है, शायद मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो NOC होता है जिसके द्वारा आप जो है बाहर की गाड़ी को बिहार में ला सकते हो, और अगर आप पकड़े जाते हो बाहर के नंबर प्लेट के साथ तो वो NOC दिखाने पे आपको छूट मिलती है और राहत मिलती है। तो जैसा कि लास्ट डेट के बारे में तो अभी कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये मुहिम जो है इस साल के शुरुआत से ही चली आ रही है कि हमें जो है नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाइए, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाइए। बिहारी न्यूज़ ने भी कभी आपसे इस बारे में बातचीत की थी कि हाँ, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अब आने वाला है, और उसी के मार्फत हम लोग अपने इस ज्ञानपीडिया के सेगमेंट में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिहारी न्यूज़, दोस्तों अगर जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि बिहारी न्यूज़, जैसा कि आप सब जानते हो हमारे पुराने वीडियोस में, कि हम लोग हर उस मुद्दे को आप तक पहुंचाते हैं जिनका समाज से और आपसे सीधा सरोकार है। तो बिहारी न्यूज़ अपना इस नए सेगमेंट को लाया है जिसका नाम है ज्ञानपीडिया। ये नॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया होने वाला है। इसमें हम लोग बात करेंगे उन सारे विषयों के बारे में जिसने समाज में कहीं ना कहीं कौतल पैदा कर रखा है, या फिर जिसके लिए आपके मन में भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो उन टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे बिहारी न्यूज़ के सेगमेंट ज्ञानपीडिया में। तो राहुल, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। दर्शक है नीतीश कुमार, वो पूछ रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। नीतीश जी, डॉक्यूमेंट्स में आपके वाहन का RC लगेगा और उसके साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। ये दोनों आप अपने नज़दीकी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के सेंटर पर ले जाएं और अप्लाई कर दीजिए। क्या क्या आपने फिर से बता दो आप अपने वाहन के लिए। वाहन के में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए आपके वाहन का RC और उसके साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। ठीक है नीतीश जी, तो हो सकता है कि आपका शंका दूर हो गया होगा कि हाँ, RC जो कि आप जानते होंगे अगर आपके पास वाहन है तो, और उसके साथ क्या बताया आपने शिवम, ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए अगर आपको अपने गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना है तो। ये आप किसी भी लोकल RTO सेंटर, जैसा कि मैंने एड्रेस बताया, और अगर कोई भी सवाल और भी होता है, काफ़ी लंबे चौड़े आंसर्स हो जाते हैं, जैसे कि मैंने एड्रेस में आपको बताया 4-5 एड्रेसेस हो गए, तो उसके बारे में अगर आपको कोई सवाल हो कि हाँ आप किस एरिया में रहते हो और अगर उस एरिया में आप रहते हो तो वहाँ का नज़दीकी RTO सेंटर कौन सा है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हो और उसका इंस्टेंट रिप्लाई आपको बिहारी न्यूज़ के माध्यम से मिल जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो मतलब शिवम एक चीज़ बता यार, कि अब जो 800-8055 करके हम गाड़ी देखते थे रोड पे, बॉस बड़े चौड़े से लिख के निकलते थे, उसके बाद बहुत लड़के मॉम्स गिफ्ट, डैड्स गिफ्ट, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे कोटेशन हमें देखने को मिल जाते थे, खासकर सबसे ज़्यादा ये बॉस का नंबर प्लेट, मतलब 8055 के लिए तो RTO में लगता लाइन लगती थी कि हमें यही नंबर प्लेट चाहिए। तो इस सब पे भी पाबंदियां पूरी तरीके से, बिल्कुल इस सब पे पाबंदियां लग गई हैं क्योंकि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लागू हो चुका है। अच्छा, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लागू हो चुका है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों पे पूर्णतः पाबंदी लग चुकी है। ठीक है, तो अब अगर आपके गाड़ी पे कहीं पे भी डैड्स गिफ्ट, मॉम्स गिफ्ट, या अगर आप 8055 का नंबर प्लेट यूज़ करते हो जिसको बड़े चौड़े से लोग बॉस लिख के निकलते हैं सड़कों पे, तो अब आपके लिए थोड़ा सा ये संकोच का विषय हो गया और थोड़ा सा आपको भी सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अब कोई भी ट्रैफिक वाला हवलदार सादी वर्दी में सीटी मारते हुए आपको रोकता है तो आप ये मत समझना कि अरे भैया लाइसेंस तो ठीक ठाक है, पॉल्यूशन भी ठीक ठाक है और इंश्योरेंस भी गाड़ी की ठीक ठाक है, अब कोई नहीं पकड़ने वाला है। भैया अब थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है क्योंकि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे ज्ञानपीडिया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये सबसे पहला एपिसोड
ज्ञान पीडिया का जो कि बिहारी न्यूज़ के माध्यम से हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं, काफ़ी पसंद आया होगा। और हमारे पुराने वीडियोस को आपने जैसा प्यार दिया, जैसा लाइक्स दिया, जैसा व्यूवर्स तक पहुंचाया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें। और इसी तरीके से आप ज्ञान पीडिया को भी प्यार दोगे, ये हमें उम्मीद है। ये था हमारे ज्ञान पीडिया का खास सेशन, और इसके साथ बिहारी डॉट न्यूज आपके हर एक समस्या का निवारण करने के लिए सदा तत्पर है। आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव हमारे कमेंट्स बॉक्स में दें और हम उसका निवारण करने बिल्कुल, के लिए बिल्कुल बिल्कुल ये सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं एक बार तो और बता दूं कि हमारा जो भी टॉपिक अब आने वाला है, उसमें आप समझ लो कि उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगा या उन्हीं मुद्दों से जुड़ा हुआ होगा जिसका सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है, जिस जो आपके मन में कहीं ना कहीं शंका पैदा कर रही है, जो कहीं ना कहीं एक कौतूहल का विषय बना हुआ हमारे चारों ओर। जैसा कि मैंने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन पेड, काफ़ी सारे यूज़र से हमें ये रेस्पॉन्स मिला कि आप लोग एक सेशन रखो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन पेड के द्वारा के बारे में, माफ़ कीजिएगा के द्वारा मैंने बोल दिया। काफ़ी सारे दोस्तों ने हमें मैसेज बॉक्स में इनबॉक्स किया कि आप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन पे कोई एक सेशन रखो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज भी थे इस चीज़ के लिए। तो आज हमने सोचा कि आज ज्ञान पीडिया के माध्यम से आपको इन सारी बातों से रूबरू करवाया जाए, और मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी शंकाओं को मैंने और शिवम ने मिलकर बिहारी न्यूज़ और ज्ञान पीडिया के माध्यम से दूर किया होगा। और जैसा कि शिवम ने बताया कि ये बिहारी डॉट न्यूज़ का एपिसोड है, कार्यक्रम है, और जैसे कि बिहारी डॉट न्यूज़ के सारे वीडियोज़ को आपने बेइंतहा मोहब्बत दिया, बेइंतहा प्यार दिया, उसके लिए सबसे पहले हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद। और उसी तरह उम्मीद है कि आप ज्ञान पीडिया को भी बहुत आगे तक ले जाओगे और हमें इससे और भी ज़्यादा हौसला मिलेगा कि हम और भी नए नए चीज़ों को आपके सामने पड़ोसें, जैसा कि हम लोग बिहारी न्यूज़ में हमेशा से करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर लगता है कि हाँ ये वीडियो आपके किसी भी फैमिली मेम्बर या किसी भी दोस्त के लिए भी ज़रूरी हो, तो आप कृपया करके इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और दिल ठोक के शेयर करें, और कमेंट में बताएं और लाइक करें, हमें अपना प्यार दें। और जैसा कि शिवम ने भी बताया कि आप भी उन विषयों के बारे में बता सकते हैं जिनमें आपको कहीं ना कहीं शंका हो रही है और आप चाहते हो कि उस पर बातचीत हो। तो उम्मीद है आपको ये ज्ञान मीडिया का पहला सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। मैं राहुल रंजन, मैं शिवम, आपसे धन्यवाद कहते हैं और हमारा नमस्कार, धन्यवाद।